चलें जी, स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। लेक्चर नंबर 20 है हमारा आज। इसकी आउटलाइन कुछ इस तरह से है कि आज हमने देखना है बीटा फैक्टर क्या होता है और अल्फा फैक्टर क्या होता है। फिर हमने देखने ट्रांजिस्टर के कितने टाइप्स के कनेक्शन हैं। फिर हम उन कनेक्शंस के जो कनेक्शन हम पढ़ेंगे उनमें से आज हम जो है एक ही को डिस्कस करेंगे, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर को। फिर ट्रांजिस्टर एंड एम्पलीफायर देखेंगे कि हमारे पास ट्रांजिस्टर जो है वो एम्पलीफायर के तौर पे कैसे वर्क करता है। एक एग्जांपल को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास ये दो फैक्टर्स हैं, ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो गेन, करंट गेन है आपके पास ट्रांजिस्टर की, करंट गेन को फाइंड आउट करने का एक मेथड है। अब ये बीटा फैक्टर क्या होता है? The DC current gain of a transistor is the ratio of the DC collector current to the DC base current. और इसको हम कहते हैं बीटा DC, क्योंकि हमारे पास DC biasing sources लगे हुए होते हैं तो हम इसको बीटा DC कह देते हैं। और हमारे पास ये क्या चीज़ है? करंट गेन है। गेन क्या होती है? आपकी आउटपुट और इनपुट, आपके पास जो आउटपुट करंट हो डिवाइडेड बाय जो इनपुट करंट आपके पास हो, तो उसे हम कहते हैं कि हमारे पास की गेन आ गई है। और बीटा जो है हमारे पास, अगर कलेक्टर करंट आउटपुट है तो इनपुट हमने अगर बेस को बाइस किया है तो हमारे पास जो बेस के ऊपर करंट होगा, प्रोड्यूस हो रहा होगा, उसको हम इनपुट करंट कह देंगे। और इसकी रेंज जो है 220 to 200 है, लेस देन 20 टू ग्रेटर देन 200। और हमारे पास एक अल्फा फैक्टर है, ये भी हमारे पास गेन कैलकुलेट करता है, करंट गेन, जब हमारे पास डीसी बायसिंग हो रही होती है। और ये रेशियो है हमारे पास कलेक्टर करंट टू द एमिटर करंट। अब हमारे पास इसको कैलकुलेट करने के लिए अल्फा इज इक्वल टू आउटपुट करंट, हमारे पास जो कलेक्टर करंट है, डिवाइडेड बाय द जो हमारे पास एमिटर करंट है वो इनपुट करंट है। और इसकी रेंज हमारे पास 0.95 to 0.99 है। और ये हमारे पास लेस देन यूनिटी होता है हमेशा से, क्योंकि हमारे पास कलेक्टर करंट इज इक्वल टू जब एमिटर करंट आएगा तो हमारे पास ये अल्फा का फैक्टर क्या आएगा? हमेशा यूनिटी आएगा। और हमारे हमें पता है कि जो एमिटर करंट है वो कलेक्टर से क्या होगा, तो ये हमारे पास जो है वो स्मॉल आंसर आएगा। हमारे पास जब हमारे पास एमिटर करंट ज़्यादा होगा तो आपको पता है कि ये जब लार्ज अमाउंट स्मॉल अमाउंट लार्ज अमाउंट से डिवाइड होगी तो हमारे पास एक स्मॉल आंसर आएगा। अब ट्रांजिस्टर के कनेक्शन, हमें पता है कि ट्रांजिस्टर जो है वो एक थ्री टर्मिनल डिवाइस होती है, जिसमें हमारे पास एक एमिटर होता है, एक बेस होती है और एक कलेक्टर होता है। अब क्योंकि हमारे पास ये तीन टर्मिनल डिवाइस है तो हमारे पास तीन किस्म के कनेक्शन हो सकते हैं। या तो हम बेस को कॉमन कर देते हैं तो हम उसको कहते हैं कि हमारे पास जो है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है। जब हम कलेक्टर को कॉमन कर देते हैं बिटवीन थ्री टर्मिनल्स तो हम क्या देते हैं कि हमारे पास इनपुट और आउटपुट टर्मिनल, इनपुट पे और आउटपुट पे जो कॉमन चीज़ है उसको हम कलेक्टर अगर कंसीडर कर लेंगे, कलेक्टर को ग्राउंड कर देंगे, तो हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन होगी उसको हम कहेंगे कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। और जो थर्ड पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन है ट्रांजिस्टर के कनेक्शन की, जब हम एमिटर को ग्राउंड कर देंगे तो हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन बनती है उसको हम कहते हैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। आज जो हम डिस्कस करेंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि हमारे पास एमिटर को हम बेस को क्या कर देते हैं? ग्राउंड कर देते हैं। यहाँ पे आपको एरो नजर आ रहा होगा, यहाँ पे हमने क्या कर दिया? बेस को ग्राउंड कर दिया है। और हमारे पास एमिटर और बेस के दरमियान हमने इनपुट सिग्नल दिया है, जबकि हमारे पास आउटपुट जो है वो लोड रेजिस्टेंस जो यहाँ पे लगी हुई है RC लगी हुई है, इसके अक्रॉस जो कलेक्टर के साथ लगी हुई है इसके हमने क्या करना है? आउटपुट लेनी है। और ये जो फर्स्ट है फिगर आपको नजर आ रही है, ये हमारे पास NPN ट्रांजिस्टर को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो सेकंड नंबर पे है हमारे पास, ये PNP ट्रांजिस्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। हमने इनपुट जो देना है
वो हमारे पास एमिटर और बेस के दरमियान है, और जो आउटपुट लेनी है कलेक्टर और बेस के दरमियान लेनी है, इसलिए हमने क्या इसको कहा कि हमारे पास कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है। और जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि ट्रांजिस्टर को हमने एमिटर और बेस जंक्शन को ट्रांजिस्टर में इस तरह की सर्किटरी में हमेशा फॉरवर्ड बायस करना है, जबकि हमारे पास जो कलेक्टर और बेस जंक्शन है इसको हमने रिवर्स बायस करना है। उसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि जब हम सिग्नल को, वीक सिग्नल को यहाँ पे, जो इनपुट सिग्नल को यहाँ पे अगर हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो क्योंकि हमारे पास फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो आएगी वो कम आएगी, कम वैल्यू, और वो ट्रांसफ़र होगी जब रिवर्स बायस कंडीशन में होता है डायोड, तो वो हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है। जब हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तो हमारे पास हाई रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय द करंट होगा, तो वो हमारे पास एक वोल्टेज लेवल को जो है ना वो इंक्रीज कर देगा। इसलिए यहाँ पे हम वीक सिग्नल को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और यहाँ पे हम हाई रेजिस्टेंस पास से एक हाई वोल्टेज सिग्नल को हम ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाती है, एम्पलीफिकेशन हो जाती है। और इस तरह की कन्फिग्रेशन जिसमें हमारे पास बेस को हमने कॉमन लिया हुआ हो, बेस को हमने ग्राउंड कर दिया है, और यहाँ पे हमने ये फॉरवर्ड बायसिंग की है एमिटर की, एमिटर बेस जंक्शन की फॉरवर्ड बायसिंग कर दी है, और यहाँ पे हमने क्या किया है कि कलेक्टर बेस जंक्शन की रिवर्स बायसिंग कर दी है। तो ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आ गई है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अब हमारे पास अगर हम KCL को यूज करें, हमने बेसिकली निकालना है कलेक्टर करंट, कलेक्टर पे कितना करंट आ रहा है और एमिटर पे कितना करंट आ रहा है। हम उसको फाइंड आउट करने के लिए हमेशा यूज करते हैं KCL। KCL क्या होता है? द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू द लीविंग करंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको डायरेक्शन यहाँ पे नजर आएगी, हम किसी भी एक नोड को कॉमन ले लें, तो यहाँ पे अगर हम इस ग्राउंड को ही कॉमन ले लें तो आपको नजर आ रहा होगा कि दो करंट इंटर कर रहे हैं और एक लीव कर रहा है, या एक इंटर हो रहा है तो दो लीव कर रहे हैं, ठीक है। उसी को हमने यहाँ पे KCL जो यूज किया है, तो हमारे पास जो टोटल एमिटर करंट आया है वो कलेक्टर प्लस बेस करंट है, ठीक है जी। अब कलेक्टर करंट को फाइंड आउट करना, कलेक्टर करंट हमारे पास क्या होता है? कलेक्टर में हमारे पास एक एम्पलीफिकेशन फैक्टर, कल जैसा कि एनिमेशन में देखा था, जैसा ही मैंने VB को इंक्रीज किया था तो हमारे पास जो कलेक्टर करंट है वो अल्फा टाइम इंक्रीज कर गया था, जितना एमिटर करंट है उसी रेशो से वो इंक्रीज कर गया था। और आपको पता है कि हमारे पास अगर एमिटर ओपन भी हो, अगर एमिटर पे कोई भी पाई सप्लाई ना की हुई हो, कोई भी एक्सटर्नल जो है वो वोल्टेज सोर्स, डीसी सोर्स ना लगाया हुआ हो, तब भी हमारे पास एक लीकेज करंट होता है। पीएन जंक्शन डायोड, अगर सिंपल पीएन जंक्शन डायोड की भी बात करें तो हमारे पास एक लीकेज करंट होता है, जिसको हम रिवर्स सैचुरेशन करंट भी कहते हैं, रिवर्स करंट होता है उसको हम लीकेज करंट भी कहते हैं, ठीक है। वो क्यों होता है? वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है, और ये लीकेज करंट हमारे पास कलेक्टर करंट में उन माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से आ रहा है। अब हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो हम इसको कहते हैं ICBO। इस लीकेज करंट को इसने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया ICBO, कॉमन बेस विद ओपन एमिटर। ओपन एमिटर का मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स नहीं लगाया है। जब हम एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स नहीं भी लगाते तो हमारे पास जो कलेक्टर बेस जंक्शन में एक माइनॉरिटी करंट जो है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से एक करंट जो है, लीकेज करंट फ्लो हो रहा होता है, उसको हम ICBO कह देते हैं। और यहाँ पे आपको पिक्चर में नजर आ रहा होगा, इस फिगर में ICBO की डायरेक्शन भी नजर आ रही होगी। यहाँ पे उसने शो करने की कोशिश की है कि हमारे पास ओपन एमिटर है, यहाँ पे हमने कोई भी मतलब जो है वो वोल्टेज सोर्स नहीं लगाया हुआ, यहाँ पे ओपन है। फिर भी ओपन होने के बावजूद भी हमारे पास एक करंट फ्लो कर रहा है कलेक्टर जंक्शन में, वो सिर्फ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से है।
अब हमने यहाँ पे आई ई की वैल्यू पुट कर दी है, ये जो इक्वेशन हमने यहाँ से के सी एल को यूज करते हुए हमने यहाँ से ड्राइव की थी उसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी है आई सी इक्वल टू अल्फा टाइम्स आई सी प्लस आई बी, आई ई की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अल्फा मल्टीप्लाई हो गया अंदर, अल्फा टाइम्स आई सी प्लस अल्फा टाइम आई बी। अब अल्फा को मैं जो है अल्फा आई सी को अपने लेफ्ट साइड पे इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे ले गया हूं तो हमारे पास आ गया है आई सी माइनस अल्फा टाइम्स आई सी। अब इस इक्वेशन को जब हम रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास आता है आई सी इज इक्वल टू अल्फा ओवर वन माइनस अल्फा टाइम्स आई बी प्लस अल्फा ओवर वन माइनस अल्फा आई सी बी ओ। अब ये इक्वेशन हम कब यूज करेंगे कलेक्टर करंट पे, जब हमें कलेक्टर करंट को फाइंड आउट करने के लिए ये इक्वेशन इक्वेशन नंबर जो 7 आपको नजर आ रही है ये हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास हाई पावर डिवाइसेस हो, हाई पावर ट्रांजिस्टर्स जिधर एप्लीकेशन के लिए हाई पावर एप्लीकेशंस के लिए ट्रांजिस्टर यूज होंगे वहां पे लीकेज करंट टेम्परेचर की वजह से इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर की वजह से क्यों इंक्रीज करेगा, इसको हमने पीएन जंक्शन डायोड्स में पढ़ा था कि हमारा जो लीकेज करंट है वो इसलिए इंक्रीज करता है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इतनी हाई वेलोसिटी गेन करते हैं कि वो एक दूसरे को नॉक आउट करना शुरू कर देते हैं। जब वो नॉक आउट करते हैं तो हमारे पास लीकेज करंट जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। अब इसको हम हाई पावर्ड एप्लीकेशंस में इसको इग्नोर भी कर सकते हैं आई सी बी ओ को, लेकिन हम लो पावर एप्लीकेशन में अगर इसको इग्नोर भी कर दें तो कोई मसला नहीं होगा क्योंकि हमारे पास हीट डिसिपेशन इतनी नहीं होगी। जब हम इसको इग्नोर कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपल हमारे पास एक अल्फा गेन फैक्टर आ जाएगा अगर हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं, किसको, लीकेज करंट को। अल्फा इज इक्वल टू आई सी डिवाइड बाय आई ई आ जाएगा, नहीं तो हमारे पास क्या होगा, IC is equal to alpha times IE plus ICBO, और कलेक्टर करंट को हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन नंबर 7 से। ठीक है जी, अब कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स जैसे हमने पीएन जंक्शन डायोड्स की पढ़ी थी ऐसे ही हम कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स और ट्रांजिस्टर्स को देखेंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ट्रांजिस्टर की सिंपल पीएन जंक्शन डायोड्स की तरह नहीं हो सकती क्योंकि ये हमारे पास एक पीएन जंक्शन डायोड नहीं है और ये हमारे पास जो थ्री टर्मिनल डिवाइस है इसकी कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स डिफरेंट तरीके से आएंगी। हमारे पास क्योंकि थ्री टर्मिनल डिवाइस है और हमने कॉन्फ़िगरेशन यूज की है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, इसमें आपके पास दो पोर्ट्स बन रही है, एक इनपुट पोर्ट है एक आउटपुट पोर्ट है। ठीक है, अब हमारे पास दो कैरेक्टरिस्टिक टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स बनेगी, उसमें हम इनपुट पे जो कर्व इनपुट पे सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होगी और फिर जो आउटपुट पे आ रही है कैरेक्टरिस्टिक कर्व वो कैसी होगी वो भी हम देखेंगे। ठीक है, इसमें दो टाइप्स की कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स आएंगी जिनमें हमारे पास क्या है, एक इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व है और दूसरी हमारे पास आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। अब इसका कंप्लीट बिहेवियर जो है वो इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व के साथ डिफाइन होता है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व है क्या, बेसिकली जैसा कि हम जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो है वो आई वी कर्व को कहते हैं हमारे पास जो वोल्टेज एम्पीयर कैरेक्टरिस्टिक कर्व होती है। तो हमारे पास अगर इनपुट की बात करें तो इनपुट में क्या होता है, आपके पास एमिटर बेस जंक्शन एज एन इनपुट, उधर हम सिग्नल को इनपुट करते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास फिर ग्राफ किसके दरमियान आएगा, इनपुट करंट जो एमिटर करंट है और जो उससे हमने एक्सटर्नल सोर्स लगाया हुआ है बैटरी का वीईई या जो हम कह देते हैं वीईडी। अब ये ग्राफ कुछ इस तरह का आता है कि हमारे पास हमने कंसीडर कर लिया कि हमारे पास जो कलेक्टर बेस जंक्शन पे है वो एक कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड हो रही है। ग्राफ को जरा गौर से समझना है,
क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, आपको ग्राफ देकर आपको सॉल्यूशन जो है ना फाइंड आउट करना पड़ सकता है, या वैसे भी अगर डायोड आपके पास दिए हो या ट्रांजिस्टर दिए हो, डाटा शीट आपके पास एक हो और आपके पास एक ग्राफ गिवन हो और आपने फाइंड आउट कर रहे हो उसके करेक्टरिस्टिक्स, तो आपको फाइंड आउट करने आने चाहिए। तो इस कर्व को देखना है, समझने की कोशिश करनी है। हमारे पास एक्स एक्सिस पे एमीटर बेस जो है वोल्टेज लिया हुआ है हमने, और हमने वाई एक्सिस पे एमीटर करंट को लिया हुआ है। इनके यूनिट्स देख लें हमारे पास जो मिली वोल्ट्स में यूनिट्स, ठीक है। और हमारे पास एक कांस्टेंट कलेक्टर बेस बाई एक्सटर्नल वोल्टेज है, ठीक है। हमने फॉर एग्जांपल एक कर लिया 0 पे, 8 लिया 10 पे। अब हो क्या रहा है, जैसे ही हम एमीटर बेस वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं, 0 से इंक्रीज हो रही है, तो आपके पास एमीटर करंट जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। लेकिन आपकी कलेक्टर बेस वोल्टेज को इंक्रीज करने से उस पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, तकरीबन सेम तरह की कर्व आ रही है, ठीक है। फर्क कहाँ आ रहा है कि हमारे पास जो जो हमारे पास एमीटर बेस वोल्टेज या एमीटर पे हम एक्सटर्नल जो बाई सप्लाई कर रहे हैं वो इंक्रीज कर रही है, थोड़ा सा भी इंक्रीज कर रही है, तो हमारे पास जो करंट है वो रैपिडली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या आ गई, इनपुट करेक्टरिस्टिक कर्व। अब आउटपुट करेक्टरिस्टिक कर्व क्या होगी, आउटपुट क्योंकि हम आउटपुट टर्मिनल को क्या ले रहे हैं, कलेक्टर बेस जंक्शन को, तो हमारे पास क्या होगा आउटपुट में, कलेक्टर करंट होगा और हमारे पास कलेक्टर बेस जंक्शन पे जो वोल्टेज होगी हम उसको, तो उसके दरमियान जो ग्राफ आएगा उसको हम कहते हैं करेक्टरिस्टिक कर्व, आउटपुट करेक्टरिस्टिक कर्व। अब इसको भी समझने की कोशिश करें कि कलेक्टर बेस वोल्टेज जो हमारे पास है वो एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे आपके पास कलेक्टर करंट है, और यहाँ पे नोट करें कि आपके पास कलेक्टर बेस जंक्शन पे जो आउटपुट वोल्टेज है, जो वोल्ट्स हैं वो आपके पास वोल्ट्स नहीं है, ठीक है। और जो हमारे पास कलेक्टर पे करंट आ रहा है वो मिली एम्पीयर पे आ रहा है। और तीसरी बात जो नोट करने वाली है, हमने ये कर्व्स जो डिफरेंट कर्व्स लिए हैं वो फॉर डिफरेंट एमीटर करंट्स लिए हैं, एक कांस्टेंट एमीटर करंट लिया है। फॉर एग्जांपल हमने ये वाली कर्व जो ली है 0 मिली एम्पीयर एमीटर करंट पे ली है, जब हमारे पास इनपुट करंट जो है वो 0 मिली एम्पीयर के इक्वल है। ये जो कर्व नंबर 2 है 1 पे आ रही है, 1 मिली एम्पीयर पे ली है। जो कर्व आ रही है ये वाली थर्ड नंबर पे, ये हमने 2 मिली एम्पीयर पे ली है। इसी तरह हमने जो 5 नंबर पे है 5 मिली एम्पीयर पे ली है। मतलब हमने एक कांस्टेंट एमीटर करंट पे आई वी कर्व लिया आउटपुट करेक्टरिस्टिक कर्व। अब हो क्या रहा है कि हम वी सी भी बढ़ा रहे हैं, 0 से लेकर ये तकरीबन ये जो नी वोल्टेज नी पॉइंट आपको नजर आ रहा है, ये नी पॉइंट जो है इस तक तो आपकी वोल्टेज वो एमीटर करंट पे फर्क पड़ रहा है, एमीटर करंट जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है जी। अब 0 से 1 वोल्ट के दरमियान हम ये वाला जो पोर्शन है इस पे तो हम अपने ट्रांजिस्टर को ऑपरेट ही नहीं करते हैं, इसलिए ये वाला बेकार पॉइंट है, ठीक है। ये इससे पहले हमारे पास ये किसी काम की नहीं है क्योंकि हम ट्रांजिस्टर को इतने इस पे ऑपरेट ही नहीं करते, ठीक है। अब हमारे पास ये कर्व क्यों आ रही है, ऐसे जैसे ही हम वोल्टेज को कलेक्टर बेस जंक्शन वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारे पास जो एमिटर करंट है वो बिल्कुल एक फ्लैट लाइन आ रही है, हमारे पास फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है। क्यों, क्या इसका मतलब क्या है कि कलेक्टर बेस जंक्शन की वोल्टेज को जितना मर्जी इंक्रीज कर लें आपके एमिटर करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। एमिटर करंट पे कब फर्क पड़ता है, जब आप इनपुट करंट पे जो है ना वो जो VEE या VEB जिसको हम कह रहे हैं उसको इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो तब हमारे पास एमीटर करंट को पर फर्क पड़ता है, ठीक है जी। और एमीटर करंट में हमारे पास एक लो रेजिस्टेंस वीक सिग्नल इंट्रोड्यूस हो रहा है लो रेजिस्टेंस पाथ पे, और हाई रेजिस्टेंस पाथ पे हम उसको आउटपुट ले रहे हैं। इसी तरह आप 1 मिली एम्पेयर की जो है ये वाली कर्व इसको भी देख लें,
नी के आगे हमारे पास एक फ्लैट कांस्टेंट लाइन आ रही है, कांस्टेंट लाइन जो शो करती है कि कोई इफेक्ट नहीं है आपके कलेक्टर बेस जंक्शन के वोल्टेज का। सिर्फ फर्क ये है कि एमीटर का एमीटर करंट जो है वो सिर्फ आपके VEE के इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से इंक्रीज डिक्रीज होगा। ये हमारे पास थी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ द कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, ठीक है जी। अब ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर कैसे वर्क करता है कि हमारे पास ये आपको एक पिक्चर नजर आ रही होगी फिगर, ठीक है जी। हमने यहाँ पे एक वीक सिग्नल इंट्रोड्यूस करवाया और हमारे पास यहाँ पे एक हाई रेजिस्टेंस है कलेक्टर करंट पे, कलेक्टर जंक्शन पे, हमारे पास कलेक्टर बेस जंक्शन पे एक हाई रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू 5 kΩ है। यहाँ पे हमने आउटपुट लेनी है। हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, मैंने आपको एक सर्किट बना के बताया था जिसमें मैंने एक करंट को शो किया था, वो हमारे पास कांस्टेंट करंट था एमीटर साइड पे भी और कलेक्टर पे भी। फर्क कहाँ आ रहा था कि हमारे पास इनपुट साइड पे एक लो रेजिस्टेंस थी जिसको मैंने स्मॉल आर के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ था, और आउटपुट पे मैंने कैपिटल आर के साथ, क्योंकि वो हाई रेजिस्टेंस को मैं शो करना चाह रहा था तो कैपिटल आर के साथ मैंने रिप्रेजेंट किया। अब स्मॉल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय द इनपुट करंट आपके पास क्या होगा, स्मॉल करंट है जो जब जो ट्रांसफर हो रहा है कलेक्टर बेस जंक्शन पे। अब यहाँ पे आपके पास हाई रेजिस्टेंस है, जब हाई रेजिस्टेंस आपके करंट के साथ मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास एक वोल्टेज गेन जो है ना वो मिलेगी आपको। गेन का मतलब क्या, आपकी वोल्टेज जो आउटपुट वोल्टेज है और जो इनपुट वोल्टेज का रेशियो है वो इसकी गेन आएगी। और हम करंट गेन की बात करें, करंट गेन को हम दूसरे लफ्जों में एम्पलीफिकेशन फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। जो हमने अल्फा पढ़ा है उसको हम एम्पलीफिकेशन फैक्टर भी कहते हैं, करंट गेन फैक्टर भी कहते हैं। इसी तरह हमारे पास AV जो है हमारे पास, वो हमारे पास एक गेन फैक्टर आएगा आउटपुट वोल्टेज रेशो इनपुट वोल्टेज का। एम्पलीफिकेशन है क्या, बेसिकली द प्रोसेस ऑफ एम्पलीफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ लीनियरली इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल। हम क्या कर रहे होते हैं, लीनियरली इंक्रीज कर रहे होते हैं अपना एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक सिग्नल। यहाँ पे हम इनपुट सिग्नल को जो है यहाँ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वीक सिग्नल को, ठीक है, और वो एम्पलीफाई हो रहा है और उसका एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ को हम रेज कर रहे हैं। और वो क्यों हो रही है, क्योंकि लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस पाथ की तरफ वीक सिग्नल जो है ट्रांसफर हो रहा है। और ट्रांजिस्टर को हम कहते हैं इसीलिए ट्रांजिस्टर है क्योंकि वो ट्रांसफर करता है लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस की तरफ आपके वीक सिग्नल को। हमारे पास एक न्यूमेरिकल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जिसमें आपको फिगर में नजर आ रहा है कि एम्पलीफायर कैसे वर्क करता है। हमारे पास गिवन है कि अल्फा आपका जो है वो नियरली 1 के इक्वल है एम्पलीफिकेशन फैक्टर, ठीक है, और उसने कहा कि वोल्टेज एम्पलीफिकेशन को फाइंड आउट करें। तो मैंने अभी आपको बताया कि हम एक वोल्टेज गेन का फार्मूला यूज करेंगे जिससे हमें पता चलेगा हमारे आउटपुट पे वोल्टेज जो है वो कितनी इंक्रीज हुई है, ठीक है, और उस वोल्टेज गेन को हम कहते हैं इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास कैपिटल ए सबस्क्रिप्ट उसका वी है, ठीक है। और उसका फार्मूला क्या है कि ए सबस्क्रिप्ट वी इज इक्वल टू वी आउटपुट डिवाइडेड बाय वी इनपुट। और हमारे पास जो न्यूमेरिकल है उसमें गिवन है कि आपके पास कोई पीएनपी ट्रांजिस्टर है जिसमें हमने क्या यूज किया, एमिटर बेस जंक्शन को यूज किया है, कॉमन हमने बेस को कर लिया। इनपुट रेजिस्टेंस आपकी जो है वो 12 ओम की है, आउटपुट रेजिस्टेंस 100 kΩ की है, मीन्स 1 kΩ की। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनपुट रेजिस्टेंस कितनी कम है
और आपके पास आउटपुट रेजिस्टेंस किलो ओम्स में है, जबकि इनपुट रेजिस्टेंस सिंपल ओम्स में है। हमने जो आउटपुट लेना है आपको नजर आ रहा होगा आरसी के अक्रॉस लेना है, ठीक है जी। और यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शंस हैं वो आपको नजर आ रही है। अब हमने क्या करना है, ओम लॉ को यूज करें, ओम्स लॉ को। तो आई क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू वी बाय आर होता है। तो इनपुट सिग्नल का जो हमारे पास क्या था, इनपुट सिग्नल 500 मिली वोल्ट है, 500 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाय हम करेंगे 20 ओम्स। तो हमारे पास जो इनपुट सिग्नल है, इनपुट एमिटर करंट है, वो हमारे पास 25 मिली एम्पीयर का आ गया। इसी तरह अगर हम क्योंकि हमने अजम्पशन ली है कि अल्फा जो है वो नियरली इज इक्वल टू 1 है, तो हमें पता है अल्फा इज इक्वल टू होता है आईसी डिवाइडेड बाय आउटपुट सिग्नल बाय इनपुट सिग्नल। जब वो नियरली इक्वल टू 1 होगा तो मतलब कब नियरली इक्वल टू 1 होगा, जब आपके कलेक्टर करंट और एमिटर करंट, इनपुट करंट और आउटपुट करंट इक्वल होंगे तब ही आपके पास अल्फा यूनिटी आ सकता है। तो वो हमने कह दिया है IC इज इक्वल टू IE, मींस ये कि आपके पास जो एमिटर करंट है वही आपका कलेक्टर करंट है, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज के लिए भी ओम्स लॉ को यूज करें तो Vout इज इक्वल टू IC मल्टीप्लाई बाय RC। 25 मिली एम्पीयर को 100 किलो ओम्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो वोल्टेज थी 500 मिली वोल्ट, वो चेंज हो गया 25 वोल्ट को। अब हम वोल्टेज एम्पलीफिकेशन फैक्टर जब फाइंड आउट करते हैं, हमारे पास आउटपुट वोल्टेज क्या आई है 25 वोल्ट, और इनपुट सिग्नल जो था हमारे पास उसके कितने वोल्टेज थे 500 मिली वोल्ट। जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 50 आती है गेन, रेशियो है तो इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं है। अब इस 50 का मतलब क्या है कि आपका 50 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई हो गया सिग्नल, इनपुट सिग्नल से 50 को मल्टीप्लाई करें 500 मिली वोल्ट के साथ, तो आपके पास फिर से आपके पास 25 वोल्ट आंसर आएगा। मतलब ये है कि आपका 50 टाइम्स जो है स्ट्रेंथ आपके सिग्नल की इंक्रीज हो गई है। ये आपको नजर अब आपको सही तरह से अंदाजा हो गया होगा कि हमारे पास जो है इसने क्या कर दिया, स्ट्रेंथ ऑफ वीक सिग्नल को इंक्रीज कर दिया है। हमारा लेक्चर जो है आज का इतना ही है, कि तो कोई बात समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हो क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन हो बच्चों, आपका कोई क्वेश्चन हो तो सर आपसे पूछना था, ये जो आपने ग्राफ बताया कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप बता सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आएगा और हमने कैसे करना है, वो थोड़ा एक्सप्लेन करें। आपको कोई भी कहा जा सकता है कि इस कर्व पे इस पॉइंट के अक्रॉस जो है कोई भी पॉइंट होगा, आर्बिट्रेरी पॉइंट है, उस पे आप IE और VE फाइंड आउट कर दें, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आप, ठीक है। जरूरी नहीं है, मैंने वैसे आपको बता दिया कि आपके पास अगर ग्राफ हो तो आपने फाइंड कर रहा हो, जैसे हमने लोड लाइन एनालिसिस किया था, इसमें भी ट्रांजिस्टर्स में भी लोड लाइन एनालिसिस होता है, तो ग्राफ को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो लोड लाइन एनालिसिस में यूज होंगे। लोड लाइन एनालिसिस पे हम क्या करते हैं, ग्राफिकल मेथड लेते हैं जिसपे हम इंटरसेक्शन पॉइंट के साथ हम एक मैक्सिमम करंट गेन या इस तरह की चीजें निकालने के लिए ग्राफ को यूज करते हैं, रादर देन हम जो है वो मैथमेटिकल वर्क जो है कि मैथमेटिकल टूल्स को यूज करें, जो हमारे जो बियॉन्ड द स्कोप जो हमारे पास है टूल्स, उनको यूज करने के बजाय हम ग्राफिकल मेथड को जो है इंप्लीमेंट करके वहां से हम इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो आ रहे होते हैं पॉइंट हम वो निकाल लेते हैं, ठीक है जी। कोई और क्वेश्चन हो